नमस्कार, गुड इवनिंग। मैं सुधांशु पांडे मैथ्स विद सुध में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की क्लास ग्रेड 9 में सेकंड चैप्टर ऑफ केमिस्ट्री हम पढ़ रहे हैं। इनफैक्ट आप साइंस का भी कह सकते हो, उसी का सेकंड चैप्टर है, जिसमें हम मैटर अराउंड अस इज प्योर और इसके बारे में हम बात करेंगे। लास्ट क्लास में हमने देखा था कि किस तरीके से मैटर हमारे मैटर्स में, हमने एक चीज़ पढ़ी थी कि आमतौर पर जो मैटर होता है वो प्योर नहीं होता है और मिक्सचर के फॉर्म में होता है। फिर मिक्सचर में हमने सॉलिड इन लिक्विड, सॉलिड के अंदर एक लिक्विड सोल्यूशन को देखा, फिर सॉलिड के अंदर एक गैस के सोल्यूशन को देखा, फिर हमने होमोजीनियस मिक्सचर के बारे में पढ़ा था लास्ट क्लास में और हेट्रोजीनियस के मिक्सचर के बारे में पढ़ा था। होमोजीनियस मिक्सचर जो होता है वो हम कह सकते हैं कि एक प्रकार से यूनिफॉर्म होता है, उसका जो कंपोजिशन होता है वो यूनिफॉर्म होता है थ्रू आउट, और हेट्रोजीनियस मिक्सचर का कंपोजिशन यूनिफॉर्म नहीं होता। ठीक है, लेमिनेट के हमने एग्जाम्पल लिए थे, अब यहाँ पर हम थोड़ी सी क्लास को थोड़ा सा रिवाइज कर रहे हैं। फिर हमने सॉल्यूशंस के एग्जांपल्स लिए थे, मैंने आपको लिखवाए थे, और उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ थी जो मैंने बहुत इंपॉर्टेंट बताई थी आपको, याद है प्रॉपर्टीज़ लिखवाई थी मैंने सॉल्यूशन की? बोलो बच्चों, हाँ या ना? आदरिजा बेटा कैमरा ऑन नहीं है, आदित्य दोनों ही अनम्यूट रहते हो, कैमरा भी बंद रखते हो, मुझे कैसे पता चलेगा? ओके, तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ ए सोल्यूशन में मैंने बताया था लास्ट क्लास में कि जो सोल्यूशन होता है होमोजेनस मिक्सचर होता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कह सकते हैं हम, दो नंबर या एक नंबर के हिसाब से। फिर उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो इतने छोटे होते हैं, 10^-9 मीटर के होते हैं, यानी 1 नैनोमीटर हम बोलते थे उसको। फिर क्योंकि वो बहुत छोटे होते हैं तो वो स्कैटर नहीं कर सकते बीम ऑफ लाइट को पासिंग थ्रू द सोल्यूशन, सो द पाथ ऑफ द लाइट इज़ नॉट विजिबल इन द सोल्यूशन, उसका पाथ जो है हमें दिखाई नहीं देता। फिर द सल्यूट पार्टिकल्स कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर, दूसरी बात ये होती है कि सल्यूट और सॉल्वेंट क्या होता है, तो सल्यूट वो चीज़ होती है जो सॉल्वेंट में मिक्स हो जाती है, सॉल्वेंट लार्जर एरिया में पाया जाता है, सल्यूट कम एरिया में पाया जाता है। ठीक है, सल्यूट जैसे शुगर हो गया, सॉल्ट हो गया, सॉल्वेंट आपका लिक्विड हो गया, कोई भी आप वाटर में कर दो, दूध में कर लो, ठीक है, दाल में कर लो, जब पानी में कुल मिला के। अब हम यहीं से आगे बढ़ते हैं, कंसेंट्रेशन ऑफ ए सोल्यूशन क्या होता है, कंसेंट्रेशन का मतलब क्या होता है, हम बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा कंसेंट्रेटेड है, हम कॉफ़ी पीते हैं कई बार हम बोलते हैं बहुत हार्ड कॉफ़ी है, ठीक है, हम कोल्ड ड्रिंक पीते हैं कई बार बोले यार इसमें गैस बहुत ज़्यादा है, गैस का कंसेंट्रेशन बहुत ज़्यादा है, नाक में लग रही है। तो कंसेंट्रेशन एक बेसिक आइडिया हमें पता है, अब उस चीज़ को हम डिटेल में केमिस्ट्री की भाषा में समझेंगे। इन एक्टिविटी 2.2 में हमने जो कॉपर सल्फेट या जो भी एलिमेंट हमने लिया था, वी ऑब्जर्व दैट ग्रुप्स ए एंड बी ऑब्टेन डिफरेंट शेड्स ऑफ द सोल्यूशंस, तो जो भी कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन डाला था, एक में क्रिस्टल डाला था और एक में पूरा बीकर वो स्पून भर के स्पैटुला भर के डाल दिया था हमने, तो हमें पता है अगर हम चीनी को ज़्यादा मात्रा में डाल दें तो ज़्यादा मीठी हो जाएगी, कम मात्रा में डालेंगे तो कम मीठी हो जाएगी। ज़्यादा मात्रा में जब हम चीनी को डालेंगे तो हम बोलेंगे कि जो सोल्यूशन है कंसेंट्रेटेड सोल्यूशन है, कैसा सोल्यूशन है कंसेंट्रेटेड। जब अमाउंट ऑफ सोल्यूट सॉल्वेंट, मतलब अमाउंट ऑफ सोल्यूट ज़्यादा होता है सॉल्वेंट में, हायर अमाउंट में होता है, तो हम उसको कंसेंट्रेटेड बोलते हैं। जब सॉल्वेंट और सल्यूट का रेशो मतलब कम हो जाता है एक प्रकार से, मतलब सल्यूट कम हो गया सॉल्वेंट की अपेक्षा में, तो हम बोलेंगे कि वो डाइल्यूट सल्यूशन है। पढ़ते हैं इसी चीज़ को आगे, तो लास्ट लाइन से यहाँ से शुरू करते हैं, ठीक है। सो वी अंडरस्टैंड दैट इन ए सल्यूशन द रिलेटिव प्रपोर्शन, रिलेटिव प्रपोर्शन मतलब उसके सॉल्वेंट के रिलेशन में, द रिलेटिव प्रपोर्शन ऑफ द सल्यूट एंड द सॉल्वेंट, सल्यूट एंड द सॉल्वेंट मतलब ऊपर हमारे प्रपोर्शन, जब हम रेशियो की बात करेंगे तो ऊपर सल्यूट होगा और नीचे सॉल्वेंट होगा, कैन बी वेरीड, अलग अलग कंसेंट्रेशन अलग अलग सल्यूशन में अलग अलग रेशियो हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ सल्यूट प्रेजेंट इन ए सोल्यूशन इट कैन बी कॉल्ड डाइल्यूट कंसेंट्रेटेड और सैचुरेटेड सोल्यूशन। तो सोल्यूशन तीन प्रकार के हो गए, डाइल्यूट कंसेंट्रेटेड और सैचुरेटेड। डाइल्यूट एंड कंसेंट्रेटेड आर कंपेरेटिव टर्म्स, ठीक है, डाइल्यूट और जो कंसेंट्रेटेड है ये कंपेरेटिव टर्म्स है, कंपेरेटिव मतलब अगर मैं पूछूंगा कि ये हाथ की, ये क्या है मेरे पास, ये क्या मैंने उठाया, तो आप लोग बोलोगे हाथ, आपने इस फिगर को कंपेयर किया आसपास के सराउंडिंग से, और आपके दिमाग में जो इमेज बनी हुई है पाँच उंगलियों वाला ऐसा पाम होता है, इसको हम हाथ बोलते हैं। तो हमारी जो आँखें हैं, हमारे जो कान हैं, हमारी जो स्मेल की क्वालिटी है, ये जितने भी 5 सेंसरी ऑर्गन्स हैं, ये इस दुनिया को एक कंपैरिजन की नज़र में देखते हैं, ठीक है, असल में वो वैसा नहीं है, असल में हमें उसके बारे में पता ही नहीं है। हम कोई चीज़ पिएंगे, हम बोलेंगे मीठी है, मीठी क्यों बोलेंगे, क्योंकि उसके पहले जो मुंह में स्वाद था वो उतना मीठा नहीं था,
लेकिन अगर तुम एक मीठी चाय खाने के बाद में एक आइसक्रीम खाओ तो उस आइसक्रीम का टेस्ट नहीं आएगा, समझ में आ रहा है? कई बार तुम ब्रश करके सुबह सुबह और उसके बाद कोई मीठी चीज़ खाओ, आपको उसका टेस्ट ही नहीं आएगा, क्योंकि हमारी जो जुबान है वो न्यूट्रल के बाद कंपैरिजन काम करता है। तो यहाँ पे कंपैरिजन इसलिए बोला गया है क्योंकि एक सोल्यूशन किसी के पॉइंट ऑफ व्यू से डाइल्यूट हो सकता है, किसी के पॉइंट ऑफ व्यू से कंसेंट्रेटर हो सकता है। जैसे एक शब्द आता है अमीर और गरीब, इसके एग्जाम्पल्स मैं क्लास में लेता रहता हूँ। किसी इंसान ने बोला कि मैं गरीब हूँ, तो वो गरीब किससे है? क्योंकि उससे कोई अमीर होगा। अगर मेरे पॉकेट में आज 100 रुपये हैं, मेरे पड़ोस में एक आदमी है जिसके पास 200 रुपये हैं, तो मैं बोलूँगा कि मैं उससे गरीब हूँ। लेकिन एक आदमी जो 50 रुपये लेकर घूम रहा है वो मुझसे भी गरीब है। तो गरीब और अमीर जैसे कि एक रिलेटिव और कंपेरेटिव वर्ड हैं, ऐसे ही डायल्यूट और कंसेंट्रेटेड है। एक सोल्यूशन एक के रेस्पेक्ट में डायल्यूट हो सकता है, एक सोल्यूशन एक दूसरे सोल्यूशन के रेस्पेक्ट में डाइल्यूट हो सकता है, लेकिन असल में किसी और के रेस्पेक्ट में वो खुद कंसेंट्रेटेड हो सकता है। आ रही बात समझ में? ठीक है। डाइल्यूट एंड कंसेंट्रेटेड आर कंपेरेटिव टर्म्स इन एक्टिविटी 2.2। द सोल्यूशन ऑब्टेन बाई द ग्रुप ऑफ ए इज डाइल्यूट एज कम्पेयर टू ऑब्टेन बाई द ग्रुप बी। ग्रुप बी में पूरी स्पेटुला डाल दी थी, ग्रुप ए में खाली क्रिस्टल डाले थे, तो बट ऑब्वियस है कि क्रिस्टल वाला जो सोल्यूशन है उसमें कम मात्रा में कलर दिखाई दे रहा होगा, तो उसको दूसरे वाले के हिसाब से हमने डाइल्यूट बोल दिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक और एक्टिविटी बोली गई है 2.3। टेक अप्रॉक्सीमेटली 50 ml ऑफ वाटर ईच इन टू सेपरेट बीकर्स। दो अलग अलग बीकर्स हैं, उसमें 50 ml का पानी ले लिया। एड सॉल्ट इन वन बीकर एंड शुगर और बेरियम क्लोराइड इन द सेकेंड बीकर विद कंटिन्यूस स्टीरिंग, और उसको लगातार आप घुमाते रहो। वेन नो मोर सल्यूट कैन बी डिजॉल्व, हीट द कंटेंट्स ऑफ द बीकर टू रेज द टेम्परेचर बाई अबाउट 5 डिग्री सेल्सियस, स्टार्ट एडिंग द सल्यूट अगेन। उसको गर्म कर दो। जब आप उसको गर्म करोगे, हमने लास्ट चैप्टर में, लास्ट चैप्टर इन द सेंस केमिस्ट्री का जो लास्ट चैप्टर था, हमने पढ़ा था कि जब हम किसी भी लिक्विड का टेम्परेचर हाई करते हैं तो उसके बीच जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में थोड़ा थोड़ा गैप आता है। आग लगती है तो हर कोई भागता है, तो वो मॉलिक्यूल्स थोड़ी सी स्पेस बना देते हैं, उस स्पेस के बीच में और चीज़ों को घुसने का मौका मिल जाता है और सॉल्यूट पार्टिकल्स घुस जाते हैं। तो जब हमने 5 डिग्री सेल्सियस पे टेम्परेचर बढ़ाया, एक पर्टिकुलर टाइम ऐसा आएगा जब आप उसमें और नमक घोल सकते हो, नहीं तो वो नमक घुलना बंद हो गया था। ठीक है। इज द अमाउंट ऑफ सॉल्ट एंड शुगर और बेरियम क्लोराइड दैट कैन बी डिजॉल्व इन वाटर एट ए गिवन टेम्परेचर द सेम। क्या मैं अगर बोलूं कि अगर एक पर्टिकुलर मैंने 100 ml का पानी ले लिया है और एक टेम्परेचर फिक्स कर दिया मैंने कि मैं 10 डिग्री सेल्सियस की बात कर रहा हूँ, या रूम टेम्परेचर पे मैंने बेरियम क्लोराइड घोला, मैंने शुगर घोला और मैंने उसमें नमक घोला, तो आपको लग रहा है कि तीनों के क्वालिटी की जो तीनों जो अमाउंट में उसमें डिजॉल्व होंगे सबका अमाउंट सेम होगा क्या? ये डिपेंड अपॉन द क्वालिटी ऑफ मटेरियल, सेम होगा क्या? यहाँ लिखा है एट एनी पर्टिकुलर टेम्परेचर ए सोल्यूशन दैट हैज डिजॉल्व एज मच सल्यूट एज इट इज कैपेबल ऑफ डिजॉल्विंग इज सेट टू बी ए सैचुरेटेड सोल्यूशन। मतलब कहने का कि किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे एक पर्टिकुलर अमाउंट से ज़्यादा सल्यूट उसमें घुल ही नहीं रहा है, अब आप उसमें कुछ और डिजॉल्व कर ही नहीं सकते, तो हम उसको बोलेंगे ये कैसा सोल्यूशन है, सैचुरेटेड सोल्यूशन है। इसकी डेफिनेशन लिख लो, लिखो ध्यान से। एट एनी पर्टिकुलर टेम्परेचर, एट एनी पर्टिकुलर टेम्परेचर इज सोल्यूशन दैट हैज डिजॉल्व एज मच सोल्यूट एज इट इज कैपेबल ऑफ डिजॉल्विंग इज सेट टू बी ए सैचुरेटेड सोल्यूशन। 10 मिनट के बाद जनरेटर ऑन कर देना। बैटरी कराती यहाँ पे रख दो, बाकी चीज़ नहीं, तब यहाँ पे दूध भी रख दो, पानी रख दो, बॉटल रख दो, चारों चीज़ें रख दो। लिख लिया? बताओ बच्चों, लिख लिया ना?
ओके, तो हमें सैचुरेटेड सॉल्यूशन की एक डेफिनेशन पता चल गई कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है। मतलब सैचुरेशन पॉइंट का मतलब ही ये होता है बेटा कि अब मेरा पेट भर गया, मैं खाना खाने जा रहा हूँ, खाना खाते 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 अब मेरे एक बूंद, एक पर्टिकुलर बूंद की भी नहीं ले सकता, पोलियो की भी एक ड्रॉप नहीं पी सकता, मेरा पेट भर चुका है। मतलब मैं सैचुरेटेड हो गया, मैं तृप्त हो गया, जिसको बोलते हैं कंटेंट हो गया। समझ में आ रहा है? सैचुरेशन पॉइंट मतलब कंटेंट हो गया वो, अब उसमें कुछ नहीं हो सकता। द अमाउंट ऑफ द सॉल्यूट प्रेजेंट इन द सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट दिस टेम्परेचर इज कॉल्ड इट्स सॉल्युबिलिटी। इट्स सॉल्युबिलिटी मतलब लिखो, सॉल्युबिलिटी की डेफिनेशन भी लिखो फटाफट से। द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट, कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट उसमें गया। हमने पहले पानी का नाप ले लिया, उसमें शुगर डालते रहे, घुमाते गए घुमाते गए घुमाते घुमाते घुमाते, हमने देखा कितनी शुगर उसमें चली गई। अब इसके ऊपर की शुगर जा ही नहीं रही है उसमें, तो जितनी शुगर उसमें चली गई उसको अलग से नाप लिया हमने। तो द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, इट इज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन द सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट दिस टेम्परेचर, एट एनी पर्टिकुलर गिवन टेम्परेचर। एट दिस टेम्परेचर नहीं लिखना आपको, एट एनी पर्टिकुलर गिवन टेम्परेचर इज कॉल्ड इट्स सॉल्युबिलिटी। उसकी सॉल्युबिलिटी किससे डिसाइड होती है? उसकी सॉल्युबिलिटी इस बात से डिसाइड होती है कि कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट एक पर्टिकुलर गिवन टेम्परेचर पे उसके अंदर चला गया है। समझ में आ रही बात? आद्रिजा बेटा अभी वीडियो ऑन कर लो। बहुत बढ़िया। आदित्य आप क्यों नहीं कर रहे हो? हाँ सिंह अरे कर लो यार, मैं स्मार्ट हो तुम। तुम अगर ऐसे होते कि चलो सर मैं मतलब बड़ा अजीब सा फील करता हूँ, ऐसे तो है नहीं, इतने हैंडसम बच्चे हो, और आज तो रक्षाबंधन भी है। चलो अभी किसी ने राखी बांध दी? इसने पहले ही बांध दी। मुझे तो गूगल ने बोला कि 9 बजे के बाद बंधवानी है। सर अरे बाप रे, लड़कियां तुम्हें भाई बना ले रही हैं। ना 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 ना, ये कैसे पॉसिबल? सर अच्छा दोनों दो ही बंदी है। आदरीजा तुम्हारी छुट्टी थी? से अभी आदरीजा मैं बता रहा हूँ, तुम राखी बांधने जाओगी ना कोई नहीं बंधवाएगा नो सर तुमसे। ये मैं नहीं बता सकता, ये मैं रिवील नहीं कर सकता, पर तुम इतनी प्यारी हो ना, तुमसे कोई राखी नहीं बंधाएगा। यार मुझे नहीं बंधानी। ना ना ना, ऐसे ही भाग जाएंगे बच्चे। चलो आगे बढ़ते हैं। द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन द सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट दिस टेम्परेचर इज कॉल्ड इट्स सॉल्युबिलिटी। आगे देखो, इफ द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कंटेंट इन ए सॉल्यूशन इज लेस देन द सैचुरेशन लेवल। अब हमें सॉल्युबिलिटी तो पता चल गई, सैचुरेशन लेवल भी पता चल गया। अगर सैचुरेशन लेवल से नीचे है सॉल्यूट पार्टिकल, सैचुरेशन लेवल से नीचे है सॉल्यूट पार्टिकल, तो उसको हम बोलते हैं अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं? अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। उससे ज्यादा हो सकता है क्या? ज्यादा तो हो ही नहीं सकता। ज्यादा कहाँ से होगा, वो तो भर गया ना, तृप्त हो गया वो। सैचुरेटेड सॉल्यूशन से ज्यादा नहीं हो सकता, कम हो सकता है। तो जैसे ही कम हो जाएगा क्या बोलेंगे उसको? अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। व्हाट वुड हैपन इफ यू वेयर टू टेक ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट अ सर्टेन टेम्परेचर एंड कूल इट स्लोली। जैसे ही उसको ठंडा करोगे क्या होगा उसमें? तुम लोगों ने देखा होगा आमतौर पे हम कोई प्रोडक्ट बनाते हैं, जैसे आइसक्रीम आइसक्रीम बनाते हैं घर पे कई बार, और जब हम उसमें चीनी पूरी घोल देते हैं, जब उसको हम ठंडा करते हैं कई बार चीनी ऐसे खुशी खुशी बाहर आ जाती है। आई है सैचुरेटेड सॉल्यूशन से चीनी बाहर आती है, बोलती है इस सॉल्वेंट ने मुझे फेंक दिया। ये बोल रहा है मैं इसमें नहीं घुल सकती, क्योंकि जब घोला था तब तो गर्म थी वो, जब ठंडा गया तो सॉल्यूट बाहर आ गया। तो सॉल्यूट की यानी उसकी सॉल्युबिलिटी कम हो गई। सैचुरेटेड सॉल्यूशन तो एक टेम्परेचर पे था, जैसे ही आपने उसको कूल डाउन किया उसकी सॉल्युबिलिटी कम हो गई। सैचुरेटेड सैचुरेशन में अमाउंट ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स कम हो गए तो सॉल्वेंट में से सॉल्यूट बाहर आ जाता है। ठीक है, वी कैन इन्फर फ्रॉम द अबव एक्टिविटी दैट डिफरेंट सब्सटेंसेज इन ए गिवन सॉल्वेंट हैव डिफरेंट सॉल्युबिलिटीज एट अ सेम टेम्परेचर। ये वाला जो क्वेश्चन ऊपर पूछा गया था कि बेरियम क्लोराइड शुगर और सॉल्ट को सेम अमाउंट में हम सॉल्युबिलिटी, सबकी सॉल्युबिलिटी सेम होगी, तो आंसर होगा नो। डिफरेंट, ठीक है, डिफरेंट सब्सटेंसेस इन ए गिवन सॉल्वेंट हैव डिफरेंट सॉल्युबिलिटीज एट द सेम टेम्परेचर।
और सेम ऑब्जेक्ट एट द डिफरेंट टेम्परेचर हैव डिफरेंट सॉलिबिलिटीज। अगर टेम्परेचर डिफरेंट है तो सॉलिबिलिटी भी डिफरेंट है, ऑब्जेक्ट डिफरेंट है तो भी सॉलिबिलिटी डिफरेंट है, ठीक है। द कंसेंट्रेशन ऑफ ए सोल्यूशन इज द अमाउंट, यानी कि मास और वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन द गिवन अमाउंट, मास और वॉल्यूम। मतलब कंसेंट्रेशन ऑफ ए सोल्यूशन, अगर कोई पूछता है कि व्हाट इज द कंसेंट्रेशन ऑफ ए सोल्यूशन, तो मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाई मास ऑफ सॉल्वेंट। मास ऑफ सॉल्वेंट है कि सोल्यूशन है? मास ऑफ सोल्यूशन है, ठीक है। सोल्यूट डिवाइडेड बाई सोल्यूशन, इसको हम क्या बोलते हैं, कंसेंट्रेशन ऑफ ए सोल्यूशन। अब कई बार मास नहीं गिवन होता है तो वॉल्यूम गिवन होता है, तो अगर उधर वॉल्यूम गिवन है तो नीचे भी वॉल्यूम ही लेना है। मतलब वॉल्यूम को वॉल्यूम से डिवाइड करना है या फिर मास को मास से डिवाइड करना है। आ रही बात समझ में? किसके लिए? कंसेंट्रेशन ऑफ ए सोल्यूट निकालने के लिए, ठीक है, किसी भी सोल्यूशन का कंसेंट्रेशन निकालने के लिए। देर आर वेरियस वेज ऑफ एक्सप्रेसिंग द कंसेंट्रेशन ऑफ ए सोल्यूशन, बट हियर वी विल लर्न ओनली थ्री मेथड्स। तीन मेथड्स को हम सीखेंगे, मास बाई मास परसेंटेज ऑफ ए सोल्यूशन। तो पहला मेथड क्या है हमारा, तो आप लोग लिख लो, एक सेकेंड, पहला मेथड है ये, क्या है, मास बाई मास परसेंटेज ऑफ ए सोल्यूशन। मतलब मास ऑफ ए सोल्यूट डिवाइडेड बाई मास ऑफ ए सोल्यूशन इंटू 100, सिंपल फॉर्मूला। दूसरा क्या होगा, मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ ए सोल्यूशन। एक है mm, दूसरा है mv। ऊपर सोल्यूट है, नीचे वॉल्यूम है, याद रखना, नीचे सोल्यूशन है, ये याद रखना, नीचे हमेशा सोल्यूशन है और ऊपर हमेशा सोल्यूट है, ठीक है, रेशियो याद रखना। तीसरा क्या होगा, तीसरा होगा बेटा वॉल्यूम बाई वॉल्यूम। तीनों मेथड लिख लो, तीनों ही केस में ऊपर जो चीज हम लेंगे वो सोल्यूट की लेंगे, नीचे जो लेंगे सोल्यूशन की। एक बार रेशियो m बाई m है, एक बार m बाई v है और एक बार v बाई v है, ठीक है। तीन प्रकार के सोल्यूशन है, तीन प्रकार के हमारे कंपैरिजन है कंसेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन निकालने के। क्लियर हो गया, लिख लिया सभी ने? अब हम देखते हैं कि हमें आया कि नहीं आया, ठीक है। फटाफट से एक क्वेश्चन लेते हैं, इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है सोल्यूशन कंटेन्स 40 ग्राम ऑफ कॉमन सॉल्ट, तो हमें फटाफट से मिल गया NaCl कितना है बेटा, अमाउंट ऑफ NaCl कितना है बेटा, 40 ग्राम। इन 320 ग्राम ऑफ वाटर, तो वाटर कितना दिया हुआ है, 320 ग्राम। कैलकुलेट द कंसेंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ मास बाई मास परसेंटेज, यानी हम क्या करेंगे, मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाई मास ऑफ सोल्यूशन इंटू 100। बताओ क्या होगा, मास ऑफ सोल्यूट कितना है, बोलो, बोल दो बेटा, कोई तो बोल दो, मास ऑफ सोल्यूट कितना है। हाँ आद्रिजा, आदित्य, मास ऑफ सोल्यूशन कितना है, बहुत बढ़िया, मास ऑफ सोल्यूशन हो जाएगा 40 प्लस 320 इंटू 100, तो कितना हो गया, 1/9 इंटू 100। अब ध्यान दो, मैंने पहले चैप्टर में आपको बताया था कि किसी भी नंबर को जब हम 9 से डिवाइड करते हैं तो उसी का बार लग जाता है, बताया था ना, हाँ। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 11/9%, तो यानी कितना हो जाएगा, 11.11%। समझ में आया, गेटिंग माई पॉइंट, कौन सी चीज़ कहाँ काम आती है हमें पता होना चाहिए। आदरीजा बेटा समझ में आ रहा है? यस सर। और लास्ट में परसेंटेज लगाना है, ठीक है।
यस सर। लास्ट में क्या लगाना है, परसेंटेज लगाना है। चलो आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज ए सस्पेंशन, सस्पेंशन क्या है, अब इसको पढ़ते हैं बेटा। आद्रिजा आप पढ़ो बेटा, आपकी इंग्लिश अच्छी है, मतलब बाकियों की भी अच्छी है, पर मुझे सीरी से सुनना है। चलो आद्रिजा बेटा सुनाओ। यस सर। What is suspension? Non-homogeneous systems like those obtained by Clumsy and activity 2.2, in which solids are dispersed in liquids, are called suspension. A suspension is a heterogeneous mixture in which the solute particles do not dissolve but remain suspended throughout the bulk of the medium. Particles in suspension are visible to the naked eye. Okay. सस्पेंशन को अगर हम आम भाषा में समझें तो सस्पेंशन क्या है, मान लो हमने किसी भी लिक्विड में कुछ ऐसे पार्टिकल्स डाल दिए जो पार्टिकल्स हमें दिख रहे हैं, जो उसमें डिजोल्व ही नहीं हुए, सस्पेंडेड हैं, ऐसे टहल रहे हैं उसी के अंदर, पानी के अंदर, जैसे मक्खी गिर जाती है तो मक्खी क्या है, सस्पेंशन है। हम ऐसे उसको पकड़ के ऐसे निकाल देते हैं कि पूरा फेंक देते हैं डिपेंड करता है गिरी किस में है, घी में गिरी होती है तो खाली मक्खी निकाल देते हैं, और दूध में गिरी होती है तो पूरा दूध ही फेंक देते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। तो सस्पेंशन समझ में आ गया, बड़ा छोटी सी चीज़ थी। प्रॉपर्टीज ऑफ ए सस्पेंशन, सस्पेंशन की क्या क्या प्रॉपर्टीज है। सस्पेंशन इज ए हेट्रोजीनियस मिक्सचर, क्योंकि उसका कंपोजिशन यूनिफॉर्म नहीं है। फिर द पार्टिकल्स ऑफ ए सस्पेंशन कैन बी सीन बाय द नेकेड आई, इतने छोटे नहीं है, हेट्रोजीनियस में मतलब हमें दिख रहा है साफ साफ, अगर वो बहुत छोटे होते तो हमें दिखता ही नहीं। फिर अब क्योंकि वो नेकेड आई से दिखते हैं तो फिर क्या करेंगे वो लोग, वो बीम ऑफ लाइट को स्कैटर कर देंगे। पार्टिकल्स ऑफ ए सस्पेंशन स्कैटर ए बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट एंड मेक इट्स पाथ विजिबल। जब भी लाइट ट्रैवल करती है तो उसका पाथ हमें दिखाई नहीं देता, वो जहाँ पड़ती है बस हमें वो दिखाई देता है। अगर उसका हमें पाथ दिखाई दे रहा है, इसका मतलब रास्ते में कोई ना कोई ऐसा डस्ट पार्टिकल है या कोई भी इतने छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं जो उसको स्कैटर कर रहे हैं, मतलब फैला दे रहे हैं, जो उसको फैला दे रहे हैं, जिससे पाथ दिख रहा है हमें। वो डस्ट पार्टिकल्स भी दिख रहे हैं हमें, लेकिन वो पाथ हमें दिख रहा है, इस वजह से हम बोलते हैं कि वो लाइट क्या हो गई, स्कैटर हो गई। समझ में आ गया, छितर बितर हो गई, छतरपुर हो गई, क्या हो गई वो, छतरपुर, स्कैटर का मतलब। आगे बढ़ते हैं। द सल्यूट पार्टिकल्स सेटल डाउन व्हेन ए सस्पेंशन इज लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड। सल्यूट पार्टिकल्स को अगर आप थोड़ी देर छोड़ दोगे तो क्या हो जाएंगे, धीरे 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 वो सेटल होकर नीचे बैठ जाएंगे, शांति से बैठ जाएंगे एकदम। तो आप ऊपर से साफ पानी निकाल के नीचे से जो रेसिड्यू बच जाता है उसको आप फेंक भी सकते हो। दे कैन बी सेपरेटेड, सस्पेंशन इज अनस्टेबल। ठीक है, तो क्या होता है, सस्पेंशन क्या है, वो अनस्टेबल है, स्टेबल नहीं है। दे कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। फिल्टर पेपर या चाय की छन्नी में आप पानी डालोगे, पानी अलग हो जाएगा, नीचे वो आपका वो बन जाएगा। व्हेन द पार्टिकल सेटल डाउन द सस्पेंशन ब्रेक्स एंड इट डज नॉट स्कैटर लाइट एनी मोर। तो जब आपका पार्टिकल्स सेटल डाउन हो जाते हैं, नीचे बैठ जाते हैं, तो फिर वो सस्पेंशन ब्रेक डाउन हो गया, अब तो सस्पेंशन नहीं हो गया ना, वो तो अलग अलग हो गया। ऊपर साफ सुथरा पानी हो गया, नीचे आपका वो रेसिड्यू हो गया जो भी आपने उसमें मिलाया था, तो अब वो एक सस्पेंशन नहीं रहा। तो सस्पेंशन ब्रेक कब होता है, सस्पेंशन ब्रेक तब होता है जब पार्टिकल्स सेटल डाउन हो जाते हैं। क्लियर हो गई बात, ओके। अब आते हैं व्हाट इज ए कोलाइडल सॉल्यूशन। तो अभी तक हमने होमोजेनियस पढ़ लिया, हेटरोजेनियस पढ़ लिया, सस्पेंशन पढ़ लिया, अब हम पढ़ने जा रहे हैं कोलाइडल सॉल्यूशन। द मिक्सचर ऑब्टेंड बाय ग्रुप डी इन एक्टिविटी 2.2 इज कॉल्ड ए कोलाइड और ए कोलाइडल सॉल्यूशन। उसमें उन्होंने क्या डाला था, दूध में पानी मिला दिया था, आज मैं लाया हूँ थोड़ा सा मिला के, ये दिख रहा है तुम लोगों को, अलग इसमें हरी हरी घास भी दिख रही है, ग्लास एकदम साफ सुथरी से नहीं है, पर ये दूध में पानी मिलाया हुआ है। दूध में पानी तो होता है ऑलरेडी, जो प्योर दूध होता है उसमें पानी होता है, और उसमें और पानी मिला दिया तो फिर वो क्या बन गया, एक प्रकार से कोलाइड हो गया, कोलाइडल सॉल्यूशन हो गया। दूध अपने आप में भी कोलाइडल सॉल्यूशन है, पर जब आप उसमें पानी मिलाते हो तो जो ग्रुप डी उस एक्टिविटी में हमने किया था उसको हम बोलते हैं कोलाइडल सॉल्यूशन। देखने में होमोजेनस होता है, दूध को अगर ध्यान से देखोगे तो होमोजेनस मिक्सचर दिखता है, लगता है कि अरे दूध में तो सारी जगह सब कुछ सेम चीज़ होती है ऐसे बोलते हैं ना। अच्छा, दूध भी दो प्रकार के होते हैं, मतलब कई प्रकार के भी होते हैं, पर तुम मार्केट में खरीदने जाओगे, एक दूध आता है मार्केट में, जो कौन सा दूध पीते हो तुम लोग बताओ, टाटा का नहीं, अमूल का पीते हो, मदर डेयरी का, किसका पीते हो, या फिर वो घर में आता है दूध वाला देने के लिए, घर में आता है तुम्हारे आदित्य,
ठीक है, तुम्हारा क्या है मेहर? कंट्री? अच्छा, तो तुम तो अमीर वाले हो। कंट्री डिटेल का दूध सबसे महंगा है यार, वो सब जगह अवेलेबल नहीं है। अच्छा है, वो ऑफर पे चलता रहता है। तुम्हारा क्या है आदरीजा? तुम्हें बस अमूल, पता ही नहीं? अरे वाह, अमूल शायद, अमूल का। हमारे घर भी अमूल का ही आता है। हाँ, अमूल गोल्ड, अमूल चीज। अमूल का गोल्ड ही आता है, मेरे यहाँ भी गोल्ड आता है। तो अमूल गोल्ड जो होता है, अमूल में एक मस्ती आता है, अमूल में एक ताजा आता है। मैं बस वेरिएंट्स का अंतर समझा रहा हूँ तुम लोगों को। सबसे वाला महंगा वाला दूध ये है। अब इस दूध को हम इंग्लिश में या देसी भाषा में बोलते हैं फुल क्रीम। क्या बोलते हैं? फुल क्रीम। इसकी जो लाइफ की एक्सपायरी होती है 2 दिन की होती है, ठीक है? अगर आज ये पैकिंग हुई है, एक्सपायरी इन द सेंस यूज बिफोर, कल खत्म हो जाएगा वो। परसों तुमने दूध उबाला नहीं किया, दूध फट जाएगा, ठीक है? दूध का पनीर बन जाएगा, दूध फिर उबलेगा। अगर पनीर बनाना है तो इसको 3 दिन में, तीसरे दिन उबाल दो, पक्का पनीर बन जाएगा। नींबू डाल दो उसमें, हम लोग ऐसे ही पनीर बनाते हैं। ये जो मस्ती और ताज़ा है, कहीं कहीं अमूल मोती के नाम से भी बिकता है, ये जो ताज़ा है, ताज़ा में से क्रीम निकाल ली जाती है, ताज़ा में से क्रीम निकाल ली जाती है, और क्रीम को सेपरेट बॉटल में बेचा जाता है। और इस दूध का रेट थोड़ा कम हो जाता है। ऊपर वाला मान लो अगर ये 65 है, तो ये वाला आपका 60 में बिक रहा होगा, क्योंकि 5 रुपये की मलाई निकाल के अलग बेची जा रही है। समझ में आ रहा है? हाँ, उसकी पैकिंग अलग बेची जा रही है। एक होता है अमूल का मोती होता है, सब जगह लोग इसको प्रेफर नहीं करते। अगर इसकी पैकिंग पे तुम देखोगे ध्यान से, तो इस पे लिखा रहता है बेटा होमोजेनाइज्ड। और इसकी ये जो होमोजेनाइज्ड मिल्क है, इसकी पैकिंग की जो डेट होती है ना एक्सपायरी, वो 90 डेज होती है। जस्ट इमेजिन कि दूध निकाला, चाहे गाय का, भैंस का, किसी का भी दूध निकाला। एक दूध है जो 2 दिन में खराब हो जा रहा है फ्रिज में रख के, एक दूध है जो 90 डेज में भी खराब नहीं हो रहा है। क्या कारण रहा होगा? तो ये वाला कारण रहा होगा, होमोजेनाइज्ड। उसको होमोजेनाइज्ड किया गया है। दूध के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं, दैट आर नॉट यूनिफॉर्म थ्रू आउट। दूध उबालने के दौरान ही क्रीम ऊपर आ जाती है, आती कि नहीं आती? फैट कंटेंट उसमें विटामिन्स है, प्रोटीन्स है, मिनरल्स हैं, अलग अलग मात्रा में, अलग अलग लेयर्स में, अलग अलग जगह पे बैठे हुए हैं, अलग अलग जगह पे बैठे हुए हैं। तो इसीलिए वो रिएक्शन कर जाएगा बहुत सारी चीज़ों से, बहुत सारे बैक्टीरियाज घूम रहे हैं, रिएक्ट कर जाएगा, ख़राब कर देगा उसको। लेकिन अगर उसको होमोजेनाइज कर दिया, एक प्रोसेस है, जैसे जो भी करते हैं, मुझे इतना पता नहीं है, लुईस पाश्चर मेथड होता था, पाश्चराइजेशन ऑफ मिल्क। हम उसको गर्म करते थे एक सर्टेन टेम्परेचर पे, एकदम से ठंडा कर देते थे, फिर गर्म करते थे, फिर ठंडा करते थे, तो ऐसे करके उसको तैयार करते थे। फिर उसका कंपोजिशन यूनिफॉर्म कर दिया हमने, कि तुम ऊपर से एक चम्मच ले लो, लास्ट का एक चम्मच ले लो, सब जगह तुम्हें दूध के अंदर जो कंटेंट मिलेगा सेम मिलेगा। तो हम उस दूध को बोलते हैं होमोजेनाइज, जो उसकी लाइफ को बढ़ा देता है। तो दूध असल में क्या है? होमोजेनाइज मिक्सचर नहीं है, दूध इज ए कोलाइडल सोल्यूशन। लेकिन अगर उसको होमोजेनाइज कर दोगे, तो 90 डेज तक उसकी लाइफ बन जाती है। समझ में आ रहा है? तो तुम लोग भी अगर होमोजेनाइज हो जाओगे, तो तुम्हारी सबकी लाइफ भी 90 90 डेज बढ़ जाएगी, ठीक है? तो इसलिए यूनिफॉर्मिटी रखना अपनी लाइफ में, चेंज नहीं होना, अलग अलग इंसान से अलग अलग नहीं बनना, ये कहने की बात है, पर बन जाना। मैं भी हर इंसान से अलग अलग तरीके से ही ट्रीट करता हूँ। चलो, तो यहाँ पे हम देखते हैं, द मिक्सचर ऑब्टेन बाय ग्रुप डी, यानी वो दूध वाला जो मिक्सचर था, इस कॉल्ड ए कोलाइड और ए कोलाइडल सोल्यूशन। द पार्टिकल्स ऑफ ए कोलाइड आर यूनिफॉर्मली स्प्रेड थ्रू आउट ए सोल्यूशन ड्यू टू रिलेटिवली स्मॉलर साइज ऑफ द पार्टिकल। सस्पेंशन से बहुत स्मॉल साइज होती है इसकी, एज कम्पेयर टू दैट ऑफ ए सस्पेंशन द मिक्सचर अपीयर्स टू बी द होमोजीनियस, बट एक्चुअली ए कोलाइडल सोल्यूशन इज ए हेट्रोजीनियस मिक्सचर, फॉर एग्जाम्पल मिल्क। तो ट्रू एंड फॉल्स में तुमसे पूछा जा सकता है, तुम लोग एजम्पशन में तुक्का मार के कॉमन सेंस से मिल्क को होमोजीनियस लिख के आ जाओगे, लेकिन असल में क्या है वो? हेट्रोजीनियस मिक्सचर या फिर कोलाइडल सोल्यूशन। मेहर बेटा, समझ में आ रहा है? बिकॉज ऑफ द स्मॉल साइज ऑफ द कोलाइडल पार्टिकल्स, वी कैन नॉट सी देम विद नेकेड आइज, हम उनको देख नहीं सकते। बट
बट दीज पार्टिकल्स कैन ईजिली स्कैटर ए बीम ऑफ विजिबल लाइट एज ऑब्जर्व इन द एक्टिविटी 2.2. दिस स्कैटरिंग ऑफ बीम ऑफ लाइट इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट आफ्टर द नेम ऑफ द साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड दिस इफेक्ट. टिंडल इफेक्ट कैन ऑल्सो बी ऑब्जर्व वेन ए फाइन बीम ऑफ लाइट एंटर्स ए रूम थ्रू ए स्मॉल होल. दिस हैपन्स ड्यू टू द स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाई द प्रॉपर्टीज बाई द पार्टिकल्स ऑफ डस्ट एंड स्मोक इन द एयर. अब इस टिंडल इफेक्ट को हम यहाँ पे एक्सपीरियंस करने की कोशिश करेंगे, देखते हैं चल पाता है कि नहीं. कियान बेटा लाइट ऑफ करना. और वो लेजर किधर है? वो दोनों लेजर भी दे दो मुझे, मैं अभी भूत जैसा दिखूंगा तो डरने का नहीं है. वो लेजर दे दो, दोनों दोनों दे दो दोनों. और कैमरे का रिमोट किधर है? कोई बात नहीं, अच्छा कैमरा तो ऊपर जा रहा है. ठीक है, तो पहले मेरे ख्याल से वो चार वाली लाइट जला दो आप, नहीं तो इनको पता ही नहीं चलेगा यहाँ रखा गया है. ठीक है, अभी दो देखो दोस्तों ध्यान से, तुम्हें दिख रहा होगा एक ये वाटर बॉटल है, दिख रही है पानी की बॉटल, और इसमें दूध है जिसमें पानी, ये प्योर दूध है. ठीक है, प्योर दूध मतलब प्योर जैसा तो कुछ होता ही नहीं है, ये पानी है और इसमें पानी और दूध का उसका मिक्सचर है. ठीक है, इसमें पानी मिलाया हुआ है, मैं फिर से बता देता हूँ, इस वाले में पानी मिलाया हुआ है, इसमें सिर्फ पानी है और इसमें प्योर दूध है और ये पानी हो गया. ठीक है, अभी मैं टिंडल इफेक्ट तुम्हें दिखाने की कोशिश करूँगा, समझने की कोशिश करना टिंडल इफेक्ट होता कैसे है. अब देखो जब मैं इसमें लाइट मार रहा हूँ, तुम्हें लाइट दिखाई दे रही है? रुको दूसरी लेज़र लेके आता हूँ. तुम्हें लाइट दिखाई दे रही है? लाइट का पाथ दिखाई दे रहा है? लाइट का पाथ इसलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि रास्ते में फूल पत्तियाँ बनी है, पर अब नहीं दिखाई देगा, अभी भी दिखाई दे रहा है. लाइट का पाथ दिखाई दे रहा है? इसको हटा दो, ये कंफ्यूज कर रहा है. इसमें देखो लाइट का पाथ दिखाई दे रहा है तुम लोगों को? नहीं दिखाई दे रहा. यहां से देखो पानी भी प्योर नहीं है, इम्प्योर है, पर पाथ उतना दिखाई नहीं दे रहा. लेकिन अगर इसमें मारेंगे तो देखो अंदर स्कैटर हो गई पूरी बीम ऑफ लाइट, दिख रहा है तुम लोगों को? इससे भी मार के दिखाता हूँ, दिख रही है लाल रंग की ऊपर पूरा पाथ दिखाई देता है. लेकिन अगर सेम चीज़ हम पानी में करेंगे ना ऊपर पे, तो हमें नहीं दिखाई देगा. समझ में आ रहा है? जादू खत्म हो गया, थोड़ा सा ही था. लाइट ऑन कर दो. हाँ इतना चेंज आता है ना लाइट के आने से, पहले एक काला आदमी दिख रहा था, फिर अभी एकदम से गोरा हो गया है. उस दूध को पी लेना, उसमें रेडिएशन गया ना तो स्ट्रांग कर देगा आज बॉडी को. ठीक है, तुम लोग मत करना ये एक्सपेरिमेंट, घर पे नहीं करने का है. कुछ समझ में आया टिंडल इफेक्ट क्या होता है? एक में पाथ ऑफ लाइट दिखाई देता है, एक में नहीं दिखाई देता है. वैसे तुम लोगों को लगा कि सर दोनों में तो एक जैसे ही था, लेकिन समझ आ गया. ऐसा है कोई? हाँ तुम लोग समझ पा रहे हो कि टिंडल इफेक्ट क्या है? अभी एक दूसरी फोटो दिखाता हूँ, उसमें और समझ में आ गया. इसमें देखो तुम्हें ये पाथ ऑफ लाइट दिखाई देता है, इसमें नहीं दिखाई दे रहा है. यहाँ से लाइट गई सीधे यहाँ से निकल गई, बीच में जो रास्ता है वो नहीं दिखाई देगा, पर इसमें दिखाई देगा पूरा. क्यों दिखाई देगा? क्योंकि जो पार्टिकल्स हैं उसके वो स्कैटर कर दे रहे हैं उसको. वो क्या कर रहे हैं? स्कैटर कर रहे हैं. सस्पेंशन हो गया, ले लो. ये देखो तुम लोग सतपुड़ा के घने जंगलों में जब जाओगे या फिर अफ्रीका में जाओगे कभी कभी, देखो मेरी तो औकात है नहीं, तुम्ही में से कोई जा सकता है. अभी कोई रिसेंटली मेरी एक स्टूडेंट थी, वो सिंगापुर घूमने जा रहे थे वो लोग. मैंने कहा यार कैसा परिवार है बताओ, बच्चों के स्कूल चल रहे हैं, टेस्ट के लिए लोग रो रहे हैं, और वो मैडम बोल रही थी सर वी आर कमिंग फ्रॉम द सिंगापुर सो कैन वी कीप द क्लास आफ्टर वन वीक. मैंने कहा वाह वाह वाह. देखो ध्यान से, तो टिंडल इफेक्ट कैन बी ऑब्जर्व्ड व्हेन सनलाइट पासेस थ्रू द कैनोपी ऑफ ए डेंस फॉरेस्ट. कैनोपी क्या होती है? एक प्रकार से जब हम पैराशूट से कूदते हैं, ऊपर का पोर्शन जो छत होती है एक प्रकार से, उसको कैनोपी बोल देते हैं. तो एक डेंस फॉरेस्ट है और इसमें देखो ऊपर से लाइट है, यहाँ नीचे डस्ट पार्टिकल्स अलग अलग मात्रा में पड़े हुए हैं, तो हमें पाथ ऑफ लाइट दिखाई दे रहा है. हम जब दिन में अपनी लाइफ को जीते हैं ना आजू बाजू, तो हम पाथ ऑफ लाइट नहीं देखते, हम सिर्फ चीज़ों को देखते हैं. हमने देखा पेड़,
लाइट उस पर पड़ी, रिफ्लेक्ट करी, हमने पेड़ देख लिया, हमने चेयर देख ली, हमने फ्रेंड्स को देख लिया, मम्मी पापा को देख लिया, लाइट उन पर पड़ी, वापस ही हमने पैर छू ले, पैर ही पड़ा, माता जी पिताजी। लाइट नहीं पड़ती तो हमें पता ही नहीं चलता, हम रात में भी डर जाते, बोले अरे यार ये तो भूत है, जैसे अभी मैं थोड़ी देर पहले दिख रहा था। पर टिंडल इफेक्ट में वो पाथ ऑफ लाइट दिखाई देता है, समझ में आ गया। टिंडल इफेक्ट कैन बी ऑब्जर्व व्हेन द सनलाइट पासेस थ्रू द कैनोपी ऑफ अ डेंस फॉरेस्ट। इन द फॉरेस्ट मिस्ट कंटेन्स टाइनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर, जो कोहरा होता है, मिस्ट विच एक्ट एज ए पार्टिकल्स ऑफ कोलाइड डिस्पर्स इन एयर, तो वो एक प्रकार से कोलाइड का काम करता है हवा में। क्लियर हो गई बात? ये पूछा जा सकता है वाई वी कैन सी द टिंडल इफेक्ट इन द डेंस फॉरेस्ट, तो आप बोल सकते हो इन द फॉरेस्ट मिस्ट कंटेन्स टाइनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर विच एक्ट एज ए पार्टिकल्स ऑफ कोलाइड डिस्पर्स इन एयर। क्लियर हो गई बात? ओके, प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइड, कोलाइड की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है? अभी तक हम सस्पेंशन की प्रॉपर्टीज पढ़ी हमने, होमोजेनियस मिक्सचर की पढ़ी, अब हम कोलाइड की पढ़ेंगे। फटाफट से लिख डालो, ए कोलाइड इज ए हेट्रोजीनियस मिक्सचर, द साइज ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ ए कोलाइड इज टू स्मॉल टू बी इंडिविजुअली सीन विद द नेकेड आइज, और फिर स्कैटरिंग इफेक्ट देती है वो, सस्पेंशन में नहीं देती है, होमोजेनियस मिक्सचर में नहीं देती है। उसके पार्टिकल्स छोटे होते हैं, के नैनोमीटर में होते हैं, के बड़े होते हैं, इसमें नैनोमीटर वाली बात नहीं लिखी है, लेकिन ये लिखा है कि रिलेटिवली स्मॉल होते हैं, इतने स्मॉल होते हैं कि आप उनको नंगी आंखों से नहीं देख सकते हो। लिख लो इसको, लिख रहे हो कि सोच रहे हो खाली कि मैं लिख लूंगा, ऐसा कोई सोच रहा है कि मैं लिख लूंगा या लिख लूंगी? ये दो हैं अभी और आएंगी ऊपर से, दो प्रॉपर्टीज हो गई, प्रॉपर्टीज ऑफ ए कोलाइड। फिर तीन प्रॉपर्टीज और हैं, ये भी लिख लो साथ साथ। कोलाइड्स आर बिग एनफ टू स्कैटर द बीम ऑफ लाइट, सस्पेंशन में तो वो सेटल डाउन हो जाते थे, स्कैटर करते ही थे, लेकिन होमोजेनियस मिक्सचर में स्कैटर नहीं करते थे। कोलाइड्स में क्या है, वो इतने बड़े हैं, छोटे हैं लेकिन इतने बड़े भी हैं कि वो बीम ऑफ लाइट को स्कैटर कर देते हैं एंड देन मेक इट्स पाथ विजिबल। ये टिंडल इफेक्ट जो है कितना काम आ रहा है, अगर कोई किसी की प्रॉपर्टी बोल दे तो हम फटाफट से लिख डालेंगे। एक प्रॉपर्टी तो टिंडल इफेक्ट की डालनी है, एक डालनी है कि कैसा मिक्सचर है, किस टाइप का है, एक डालनी है कि उसके अंदर पार्टिकल्स किस तरीके के, और क्या है, दे डू नॉट सेटल डाउन व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड, दैट इज ए कोलाइड इज क्वाइट स्टेबल, कोलाइड हमेशा स्टेबल होता है, ठीक है, वो सेटल डाउन नहीं होता। दे कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन बाय द स्पेशल टेक्निक ऑफ सेपरेशन नोन एज सेंट्रीफ्यूगेशन, कैन बी यूज्ड टू सेपरेट द कोलाइडल पार्टिकल्स। सेंट्रीफ्यूगेशन मतलब कुछ घुमाने जैसा होगा, उसमें घुमाते हैं तो जो ज़्यादा डेंस है वो कोने में आ जाते हैं और जो कम डेंस है वो बीच में रह जाते हैं। हम वो बनाते हैं ना कई बार मक्खन, अरे मक्खन, मक्खन कैसे बनाते हैं, मक्खन नहीं वो क्या निकालते हैं हम लोग, मलाई निकालते हैं, मक्खन निकालते हैं, दूध को घुमाते हैं ना ऐसे करके तो उसमें से वो अलग मक्खन निकालते हैं। लो आदित्य को पता है, मक्खन निकालते हैं, मैं कंफ्यूज हो रहा था, मक्खन या उसमें से कुछ ना कुछ तो निकालते हैं घी बनाने के प्रोसेस में। तो हम क्या करते हैं, मक्खन निकालते हैं और फिर मक्खन से हमारा क्या बन जाता है, मक्खन से हमारा वो बन जाता है, घी बन जाता है। तो उस प्रोसेस में हम सेंट्रीफ्यूगेशन करते हैं, कुछ पुराने ज़माने में औरतें ऐसे भी करती थी, याद है तुम लोगों को, तुमको कहाँ याद होगा, तुम्हारा पुराना जमाना है ही नहीं, तुम्हारा तो नया ही जमाना है। चलता है तो लकड़ी का और क्या क्या ब्लड हाँ, ब्लड भी कोलाइड होगा बिल्कुल, उसके सारे कंपोजिशन अलग अलग है, आरबीसी अलग है, WBC अलग है, और क्या होता है उसमें, प्लेटलेट्स होती है उसमें, तो सब एक ही, सब सारा खून सब जगह बराबर नहीं होता है, ठीक है। पर एक ब्लड के एक मतलब ब्लड की एक बूंद में जो कंपोजिशन है वो थ्रू आउट है, जैसे किसी ने छोटा सा ब्लड आपका तीन बूंद लिया, उसमें से नाप लिया, उसने प्लेटलेट्स आपकी काउंट आ गई, बोला 10,000 काउंट है या इतना जो भी काउंट है XYZ, मैं तो इतना मेडिकल का नहीं हूँ टीचर, तो जो भी उसकी टर्मिनोलॉजी में आता है वो हम मान लेते हैं कि पूरे ब्लड में हर जगह सेम 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 रहेगा,
मतलब उसका जो कंपोजिशन है वो यूनिफॉर्म है थ्रू आउट। अगर आपके ब्लड में किसी ने बोला 12 ग्राम HB है, तो वो पूरे ब्लड में, फिर और खून निकालोगे तो उसमें भी 12 ही ग्राम निकलेगा, है कि नहीं? लेकिन उसके जो इंडिविजुअल कंपोजिशन है वो यूनिफॉर्म नहीं है। पूरे ब्लड में तो है, लेकिन एक ब्लड के एक सैंपल के अंदर जो उसके कंपोजिशन है वो यूनिफॉर्म नहीं है। ओके, तो ब्लड को हम होमोजेनियस मिक्सचर नहीं बोलेंगे, कोलाइड ही बोलेंगे। बाकी लाइट मार के खून निकाल के देखना पड़ेगा। अब मैं तो वेजिटेरियन आदमी हूँ, मैंने आज तक किसी को मारा नहीं है, ठीक है? तो तुम से किसी ने बकरा वगैरह खाया हो तो देखा। ओके, ऐसी मजाक कर रहा हूँ, तुम लोग इतने प्यारे हो, मुझे सारे के सारे घास फूस वाले ही दिखते हो। मुझे लगता है तुम्हें से कोई बकरा खाता होगा। खाता कोई? आदरीजा लगा खाती। ओके, द कंपोनेंट्स ऑफ ए कोलाइडल सोल्यूशन आर द डिस्पर्स्ड फेस एंड द डिस्पर्शन मीडियम। ठीक है, द कंपोनेंट्स ऑफ द कोलाइडल सोल्यूशन आर द डिस्पर्स्ड फेस एंड द डिस्पर्शन मीडियम। यानी वो डिस्पर्स्ड फेज में है और डिस्पर्शन मीडियम भी वही है। द सोल्यूट लाइक कंपोनेंट और द डिस्पर्स्ड पार्टिकल्स इन ए कोलाइड फॉर्म द डिस्पर्स्ड फेस एंड द कंपोनेंट इन विच द डिस्पर्स्ड फेस इज सस्पेंडेड इज नोन एज द डिस्पर्सिंग मीडियम। यानी अगर मैं बोलूँ कि दूध के अंदर पानी है जिसमें सब कुछ मिला हुआ है, तो डिस्पर्सिंग मीडियम पानी हो गया, और जो चीज़ें मिली हुई हैं, फैट हो गया, मिनरल्स हो गए, वो सब क्या हो गए? डिस्पर्स्ड फेस हो गए। एक चीज़ है जो उसमें, जैसे हम लोग पानी में चले जाते हैं तैरने के लिए, तो हम क्या हो गए? डिस्पर्स्ड फेस हो गए, और पानी क्या हो गया? डिस्पर्सिंग मीडियम हो गया। समझ में आ रहा है? और हमारा और पानी का रेशियो क्या हो गया? कोलाइड हो गया। हम बोले कोलाइड हो गए पानी में। ठीक है, SL वर्ल्ड में रहूंगा मैं, घर 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 नहीं जाऊंगा मैं। गया कोई तुम्हें से SL वर्ल्ड में? वाटर पार्क गया? तुम लोग तो जाते रहते हो, गए? गर्मियाँ नहीं पड़ती तुम्हारे यहाँ? कोलाइड्स आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द स्टेट सॉलिड लिक्विड और गैस ऑफ द डिस्पर्सिंग मीडियम। हमें यह देखना है कि डिस्पर्सिंग मीडियम क्या है, सॉलिड है, लिक्विड है कि गैस है। अब इस सब प्रकार के कोलाइड्स को हम देखेंगे। ए फ्यू कॉमन एग्जाम्पल्स गिवन इन टेबल 2.1 फॉर्म दिस टेबल। यू कैन सी दैट दे आर वेरी कॉमन एवरी डे लाइफ। मैं चाहता हूँ कि हर बच्चा इस टेबल को तो पक्का लिख डाले। इसको लिखोगे, पढ़े हुए लिखोगे, तभी बनोगे नवाब या राजकुमारी रानी। नवाबी क्यों बनोगे? चलो लिखो। तो डिस्पर्स्ड फेज में लिक्विड सॉलिड गैस, लिक्विड सॉलिड गैस, लिक्विड सॉलिड। डिस्पर्सिंग मीडियम में गैस गैस गैस, लिक्विड लिक्विड लिक्विड, ये ऐसे कॉपी कर लो और फिर हम समझने की कोशिश करते हैं। तो लिक्विड अगर गैस में मिक्स हो गई है तो हम उस मिक्सचर को बोलेंगे एरोसोल। उस कोलाइडल सोल्यूशन का नाम क्या होगा? एरोसोल। जैसे एग्जाम्पल हो गया फॉग, क्लाउड्स, मिस्ट। ठीक है, अगर सॉलिड गैस में मिक्स हो जाता है, मतलब डिस्पर्सिंग मीडियम क्या है? गैस है, उसमें सॉलिड मिक्स हो गया, तो उसको भी हम बोलेंगे एरोसोल। जैसे धुआं, ऑटोमोबाइल का एग्जॉस्ट, उसके अंदर सॉलिड होता है, बोलते हैं ना हम लोग टिन लेड पाया जाता है जो तो धुआं उड़ता है उसमें, या फिर क्या, इसमें क्या पाया जाता है सिगरेट में? तार, कोल तार, क्या पाते हैं उसमें? कोकेन। ओ माय गॉड, कोकेन पता नहीं, टोबैको वोबैको क्या होता है, कुछ ना कुछ तो होता ही है वो। तो क्या है? सॉलिड है वो, एक सॉलिड है। किसमें है? कोकीन तो बेटा अपने आप में एक ड्रग्स ही है। वो ऐसे लेते हैं ना लोग, वो पेपर लेके कहते हैं, टीवी में दिखाते हैं, संजय दत्त को देखा मैंने एक मूवी में, माँ मैं आ गया माँ। ड्रग्स लेके आ गया माँ, अभी अभी 50 तोला, 5 तोला, 10 तोला, 50 तोला, पता नहीं कितना होता है, तोल के आता है वो। तो स्मोक और ऑटोमोबाइल एग्जास्ट में क्या पाया गया? सॉलिड को गैस में पाया गया। अब लिक्विड है, लिक्विड में गैस पाई गई, तो उसको हमने बोला फोम। ठीक है, शेविंग क्रीम, शेविंग क्रीम देखिए तुम्हारे घर में, अमीर लोग हो तुम्हारे घर में तो पापा यूज़ करते होंगे। हम लोग गरीब वाले हैं, ब्रश वाले, और जो फोम वाला होता है वो ऐसे लेता है हाथ में, ऐसे प्यार से लगाता है। जब हम जाते हैं ना उसके पास, बार्बर के पास, तो फोम के अलग पैसे लेता है। फोम महंगा होता है ना, तो फोम क्या हो गया? गैस इन लिक्विड, उसमें गैस हो गई, उससे प्रेशर ज़्यादा है उसमें, जब हम उसको ऐसे प्रेस करते हैं ना तो फोम के फॉर्म में निकलता है, पर असल में क्या है, उस लिक्विड के अंदर क्या भर दिया उन्होंने? गैस भर दिया। लिक्विड इन लिक्विड, तो उसको हम बोलते हैं इमल्शन। जैसे मिल्क या फिर फेयर एंड लवली फेस क्रीम। फिर सॉलिड इन लिक्विड, उसको बोलते हैं सोल्यूशन। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया या मिट्टी,
ये तो सभी ने खाई होगी बचपन में, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया तो नहीं खाया होगा, मड खाई होगी नहीं खाई ओके फिर गैस इन सॉलिड, सॉलिड में गैस मिक्स है तो फोम बोलेंगे उसको, ठीक है। जैसे फोम हो गया, रबर हो गया, स्पॉन्ज हो गया, प्यूमिस हो गया। प्यूमिस पता नहीं क्या है, अभी गूगल पे देख के अगली क्लास में बताऊंगा, अभी देख लेते ना। अभी देख लेता हूँ, अभी देखने का है बेटा, मैं ट्रांसलेशन ऑन करता हूँ। ट्रांसलेट, मेरा मोबाइल भी नकली हो गया है, इसमें जब कुछ डालता हूँ तो काम ही नहीं करता है। प्यूमिस लिखा है ना, PUMIC, हाँ मतलब इसमें जो लिखा है इसको मैं पढ़ूंगा तो तुम समझ ही नहीं पाओगे, इसमें लिखा है झावा लेकिन असल में झावा तो समझ नहीं आएगा नहीं। कुरून पत्थर, प्यूमिस स्टोन, वो एक प्रकार का स्टोन है। झावा से रगड़ कर चमकाना, वो एक स्टोन है जो चमक चमकाता है किसी को। ए वेरी लाइट एंड पोरस वोल्केनिक रॉक फॉर्म्ड वेन ए गैस रिच फ्रॉथ ऑफ ए ग्लासी लावा सॉलिडिफाइज रैपिडली, तो वो पत्थर को चमकाने के काम आता है। हिंदी में तो मैं पढ़ ही नहीं पा रहा हूँ, तो क्या लिखा, कुस्तर्न, मतलब मैं तुमको भी बोलूँ ना तो पढ़ नहीं पाओगे तुम लोग। कैसे लिखा है, ऐसे लिखा है, फिर ऐसे लिखा है, फिर ऐसे लिखा है, फिर ऐसे लिखा है, तो कुछ ने तो पढ़ लेता, कुत्र ने भी पढ़ लेता, अरे कुस्तर ये नहीं बोला जा रहा है मैंने ये र की मात्रा भी लगा दी है इन्होंने नाम में, बाप रे। तो ये क्या है, प्यूमिस वो स्टोन हो गया एक प्रकार से, पत्थर हो गया, ठीक है। स्पंज से ही बनता है या लावा से बनता है, और फोम हो गया, रबड़ तो पता ही है सभी को, रबड़ तो खा लेते हो तुम लोग, पता है रबड़ को खाते हैं तो इतनी तितर बितर हो जाती है ना कि थूकते थूकते कहीं ना कहीं दांत में फंस जाती। खाई है किसी ने, मैंने एक बार ट्राई कर ली थी गलती से, फिर निकल ही नहीं रही थी, चार बार ब्रश किया मैंने। अब सॉलिड को सॉलिड में मिलाते हैं तो क्या है, जेमस्टोन, मिल्की ग्लास, तो सॉलिड सॉलिड में तो हमें पता है सॉलिड के तो वैरायटी ऑफ एग्जांपल्स हैं। आगे पढ़ते हैं हम, फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस क्या क्या होते हैं, चैप्टर भी आज हमारा ख़त्म हो जाएगा। 5 मिनट के बाद मेरा वो लॉगिन कर देना, 5 मिनट के बाद लॉगिन कर देना, नहीं पैसे कट जाएंगे। फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, इन द प्रीवियस चैप्टर वी हैव लर्नड अबाउट ए फ्यू फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, द प्रॉपर्टीज दैट कैन बी ऑब्जर्व्ड एंड स्पेसिफाइड लाइक कलर, हार्डनेस, रिजिडिटी, फ्लूडिटी, डेंसिटी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट एक्सेट्रा आर द फिजिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। उसकी वो देखने में कैसा है, ठीक है, उसको हम बोलेंगे आमतौर पे किसी इंसान को देखने पे कैसा लगता है, वो फिजिकल प्रॉपर्टीज है। टच करने में कैसा लगता है, और वो सोचता कैसा है, हाँ उसकी सोच जो है वो उसकी केमिकल प्रॉपर्टी है, पता ही नहीं चलता क्या कर देता है आदमी, है ना। तो केमिकल प्रॉपर्टी क्या हो गई, वो रिएक्ट कैसा करता है, कि तुम उससे प्यार से बात करते हो तो कैसा रिएक्ट करता है, ऑक्सीजन के साथ देते हो तो कैसा रिएक्ट करता है, ठीक है, उसके साथ कोयले को मिक्स कर दोगे तो कार्बन के साथ कैसा रिएक्ट करेगा, अलग अलग एलिमेंट के साथ उसका रिएक्शन अलग अलग है या कैसा है। तो द इंटर कन्वर्शन ऑफ स्टेट्स इज ए फिजिकल चेंज बिकॉज दीज चेंजेस ऑकर विदाउट ए चेंज इन द कंपोजिशन, उसका कंपोजिशन तो चेंज होता नहीं है। एंड नो चेंज इन केमिकल नेचर ऑफ द सब्सटेंस, ऑल्दो आइस वाटर एंड वाटर वेपर आर लुक डिफरेंट एंड डिस्प्ले डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज, दे आर केमिकली सेम, तीनों का रिएक्शन सेम टाइप का होगा। बोथ वाटर एंड कुकिंग ऑयल आर लिक्विड बट देयर केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, उनकी जो केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स है आर डिफरेंट, दे डिफर इन ऑर्डर एंड इनफ्लेमेबिलिटी, ठीक है। इनफैक्ट तुम लोगों ने कभी तड़का दिया है, उसमें मैंने आग लगाई थी, इसकी वीडियो मैं अगली क्लास में दिखाऊंगा मैं तुमको, अभी दिखा दूं क्या, नहीं नहीं वो व्हाट्सएप पे भेजना पड़ेगा, हाँ उस पर 700 वाले पे भेजो, अगर वो भिज जाएगा तो बताना, फिर मैं यहाँ पे दिखाऊंगा। तो पता मतलब पानी जब डालते हैं तेल के साथ ना, उसमें आग लग जाती है ऐसे, तो दोनों की इनफ्लेमेबिलिटी अलग अलग है, पानी तो बुझाता ही आग। वी नो दैट ऑयल बर्न्स इन एयर वेयर एज वाटर एक्सटिंग्विशेस फायर, इट इज द केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ ऑयल दैट मेक्स इट डिफरेंट फ्रॉम वाटर, बर्निंग इज अ केमिकल चेंज, बर्निंग क्या है, फिजिकल चेंज नहीं है,
केमिकल चेंज है। ड्यूरिंग ड्यूरिंग दिस प्रोसेस वन सब्सटेंस रिएक्ट्स विद अनदर टू अंडरगो ए चेंज इन केमिकल कंपोजिशन। और आमतौर पे जो दूसरा सब्सटेंस होता है उसको हम ऑक्सीजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? जब भी बर्निंग होती है बिना ऑक्सीजन के होती ही नहीं है। इनफैक्ट हम जो सांस लेते हैं रेस्पिरेशन, दैट इज ऑल्सो ए काइंड ऑफ बर्निंग। बर्निंग ऑफ फूड पार्टिकल्स जो हमारे अंदर हैं उससे एनर्जी रिलीज होती है, वो कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें? ऑक्सीजन अंदर जाती है, किसमें कन्वर्ट हो जाती है? वो कन्वर्ट होती है CO2 में, तो बाहर होती है, अंदर ग्लूकोज बन जाता है। अंदर क्या बन जाता है? ग्लूकोज बन जाता है, ठीक है। अगर ऑक्सीजन सही मात्रा में नहीं लोगे, जैसे कई बार हम रनिंग करते हैं बहुत स्पीड में, तो कई बार बहुत स्पीड में रनिंग करते हैं, उस केस में क्या हो जाता है? हमारे पेट में दर्द हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि सफिशियंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन नहीं गई, एनरोबिक रेस्पिरेशन लिया हमने, तो उसमें क्या होगा? लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस हो जाता है, एसिड बन जाता है, और वो एसिड हमारे पेट में पहुंच के, ठीक है। तो तुम लोगों को एक मज़ेदार वीडियो दिखाता हूँ आज क्लास खत्म होने से पहले। देखनी है आग? देखनी तुम लोगों ने राम गोपाल वर्मा की आग? तब आएगा इसमें। देखूं कहीं मेरी गर्लफ्रेंड का यहाँ मैसेज आ जाए आई लव यू सर तो मैं फंस जाऊँ। बोले यार कैसे सर है, व्हाट्सएप बड़ा पर्सनल होता है ना। क्या ना आई वीडियो यही है ना? हाँ, इसमें साउंड आएगी क्या? अच्छा, देख रहे हो तुम लोग? देखा क्या? कि बैक करके दिखाओ फिर से। ये देखो इसमें मतलब बड़ी छोटी वीडियो है। प्ले अगेन। ये देखो इसमें मैंने इसमें सिर्फ वो डाला है, थोड़ा सा पानी, टमाटर प्याज और पानी का मिक्सचर, तेल लिया, तेल में मैंने वो डाला जीरा, ठीक है रेसिपी, और साथ में नमक डाल देते हैं थोड़ा सा, और फिर ये डाल दिया मैंने। क्या इसमें ये एक प्रकार से चटनी है कह लो तुम लोग, और देखो जैसे ही डालते हैं ये आग निकल जाती है। क्यों निकल जाती है? क्योंकि जो तेल है ना इसके अंदर से वो साइड साइड में चला जाता है। कभी पानी में आग लगाना है तो हम ऐसे लगा सकते हैं। लगाओगे तुम लोग? तुम छोटे बच्चे कहाँ आग लगाओगे? समझ में आया यहाँ तक? वो आग दिखाने का कोई रिलेशन नहीं था, पर एक केमिकल रिएक्शन कैसे होता है बस वही बताना था। तुम सोचो कि बहुत बड़ी चीज़ थी, वो कुछ नहीं था ऐसा। फिर इट इज दिस केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ द ऑयल दैट मेक्स इट डिफरेंट फ्रॉम द वाटर। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस इज सब्सटेंस रिएक्ट्स विद अनदर टू अंडरगो केमिकल चेंज। केमिकल चेंज ब्रिंग्स ए चेंज इन द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द मैटर एंड वी गेट ए न्यू सब्सटेंस। हमें केमिकल चेंज में क्या है, पूरा का पूरा एक नया सब्सटेंस ही मिल जाता है। ए केमिकल चेंज इज ऑल्सो कॉल्ड ए केमिकल रिएक्शन, उसको हम एक केमिकल रिएक्शन भी बोलते हैं। ड्यूरिंग बर्निंग ऑफ ए कैंडल बोथ फिजिकल एंड द केमिकल चेंजेस टेक प्लेस। कैन यू डिस्टिंग्विश दिस? तो बर्निंग ऑफ कैंडल में फिजिकल और केमिकल चेंज होता है। फिजिकल चेंज कैसे होता है? वो लिक्विड जो 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 मोमबत्ती सॉलिड होती है वो पिघल पिघल के लिक्विड बन बन के नीचे जाती रहती है ना, तो वो उसका कौन सा चेंज हो गया? फिजिकल चेंज। और साथ में उसके अंदर जो धागा है वो जलता रहता है, ऐसे ऐसे जल जल के ऊपर धुआं निकालता रहता है, तो कार्बन भी बन जाता है वो, है ना। पूरा का पूरा कंपोनेंट ही चेंज हो गया, तो हम बोलेंगे कि भैया इसमें फिजिकल और केमिकल चेंज दोनों हो गया। चैप्टर मेरे ख्याल से ख़त्म हो गया, क्या थोड़ा सा रह गया? ओके, यहाँ पे आते हैं। क्लासीफाई द फॉलोइंग एज ए केमिकल और फिजिकल चेंजेस। कटिंग ऑफ ट्रीज, मेल्टिंग ऑफ, कटिंग ऑफ ट्रीज क्या है, कौन सा चेंज है? फिजिकल चेंज। मेल्टिंग ऑफ बटर इन ए पैन, कर दिया। स्टार्ट क्लास किया? स्टार्ट क्लास किया पक्का? रिफ्रेश नहीं है, स्टार्ट क्लास करना। हाँ ठीक, कटिंग ऑफ ट्रीज फिजिकल चेंज हो गया है ना, पेड़ ऐसे खड़ा था, फिजिकल चेंज कहाँ हुआ? कटिंग ऑफ ट्रीज क्या है यार? फिजिकली तो हुआ। कैसे?
लिक्विड हो गया। लकड़ी लकड़ी काटी, लकड़ी अरे तो उसका तो कोई चेंज नहीं हुआ ना, फिजिकल मतलब सॉलिड से लिक्विड हो गया, लिक्विड से गैस हो गया। नहीं होगा। नहीं नहीं मैं कह रहा हूँ कि कोई चेंज नहीं हुआ उसमें। मैं तो ये कह रहा हूँ, मैं ये थोड़ी बोल रहा हूँ कि केमिकल चेंज हुआ, मैं बोल रहा हूँ कोई चेंज नहीं हुआ, वो पहले सॉलिड ही था, अभी भी सॉलिड है। मेल्टिंग ऑफ बटर इन ए पैन, जब भी किसी चीज़ का मेल्ट मेल्ट कर रहे हैं हम लोग बटर इन ए पैन, तो क्या होगा वो? बहुत फिजिकल एंड केमिकल होगा मेरे ख्याल से, क्योंकि वो गर्म भी हो रहा है, नहीं मेल्ट हो रहा है तो फिजिकल चेंज हो गया। रस्टिंग ऑफ एलमिरा, एलमिरा रस्ट कर जा रही है तो केमिकल चेंज। बॉइलिंग ऑफ वाटर टू फॉर्म स्टीम, फिजिकल चेंज। पासिंग ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट थ्रू ए वाटर एंड द वाटर ब्रेकिंग डाउन इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैसेस, केमिकल चेंज। डिजॉल्विंग कॉमन सॉल्ट इन वाटर, डिजॉल्विंग, केमिकल चेंज। मेकिंग ए फ्रूट सलाद विद ए विद रॉ फ्रूट्स एंड बर्निंग ऑफ पेपर एंड वुड। ट्राई सेग्रीगेशन द थिंग्स अराउंड यू एज ए प्योर सब्सटेंसेज और मिक्सचर। बेटा अगली क्लास में हम प्योर सब्सटेंस एलिमेंट्स कंपाउंड को पढ़ेंगे। तीन ही प्रकार के मैटर होते हैं, एलिमेंट्स कंपाउंड मिक्सचर। मिक्सचर हमने अच्छे से पढ़ लिया। अगली क्लास में हम क्या बोलते हैं एलिमेंट्स को पढ़ेंगे। एलिमेंट्स क्या होते हैं याद करने की कोशिश करेंगे, और जो आपकी पीरियोडिसिटी है एलिमेंट्स की, जो मतलब क्या बोलते हैं उसको, पीरियोडिक टेबल है, उसको भी मैं कोशिश करूंगा याद कराऊँ, समझाऊँ उसको, और फिर साथ में हम इस चैप्टर को ख़त्म कर देंगे। ठीक है, फ्राइडे को मिलते हैं।